Welcome back to our channel Writing Talks. So today we'll discuss about LCM and HCF of fraction. So first we'll start LCM of fraction. So जब आपको fraction का LCM दिया जाएगा तो आपको करना क्या होगा? We'll have to do the LCM of numerators and HCF of denominators. तो हमें याद रखना होगा fraction के लिए LCM means LCM of numerator and HCF of denominators. जैसे कि हम लोग पता है फ्रैक्शन का कोई भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और जैसे कि 2/5 है डिनोमिनेटर होता है. दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर डी एंड एन. तो अगर आपको फ्रैक्शन दिया जाए ऐसे ही कुछ नंबर दिया जाए जैसे 2/5 देन 6/10 एंड देन 8/20 तो आपको अगर एलसीएम बताया गया तो आपको करना होगा न्यूमरेटर ऊपर का जो नंबर रहेगा उनका एलसीएम निकालना होगा और नीचे का जो नंबर रहेगा उनका एचसीएफ निकालना होगा. लेट्स डू इट. इसी नंबर को ले लेते हम लोग. फाइंड एलसीएम ऑफ 2/5 6/10 एंड 8/20. जैसे कि एलसीएम में हम लोग ऊपर का एलसीएम करना होगा. ऊपर का न्यूमरेटर ले लेते हैं एलसीएम के लिए 1, 3 एंड 4. अगेन नहीं जाता है फिर भी 2 से हम लोग कर लेते हैं 1, 3 एंड 2. सारा प्राइम नंबर हो गया है. अभी एलसीएम क्या होगा? एलसीएम विल बी 2 × 2 × 1 × 3 × 2. ये रहा एलसीएम. 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24. अभी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का. 5 को 10 से डिवाइड कर लेते पहले. डिवीजन मेथड में हम लोग करते हैं इसको. 5 × 10 क्योंकि डिवीजन कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग सेम डिवाइजर से नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे दैट इज 20. सो 5 अगेन 20, 5 × 4 = 20. ये भी डिवाइड होता है. इसका मतलब दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है तो द एचसीएफ विल बी 5. सो अभी आपका एलसीएम होगा एलसीएम बाय एचसीएफ. फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. एचसीएफ आपका 5 है एलसीएम आपका 24 है. तो आपका एलसीएम होगा एलसीएम विल बी 24/5 क्योंकि फॉर्मूला आपका है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और हमारा एलसीएम निकला है 24 और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स और हमारा एचसीएफ निकला है 5. सो द आंसर विल बी एलसीएम इज इक्वल टू 24/5. चलिए और एक नंबर कर लेते हैं. 5 LCM of 10/6, 20/13 and 40/4. So these are the number. तो क्योंकि एलसीएम में हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम करना होता है चलिए हम लोग एलसीएम कर लेते हैं इसको. 10, 20, 40 ये 2 से जाता है 5, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 20, 2 × 10 = 20, 2 × 20 = 40. ये अगेन 5 से जाता है 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20. ये 2 से जाता है 2 × 2, 2 × 2 = 4. अभी एलसीएम विल बी 5, 2, 1 × 1 × 2. सो हम लोग 2 × 5 × 2, 1 को नहीं लिखने से भी चलेगा, इंटू 2. 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40. तो एलसीएम आपका 40 है. चलिए एचसीएफ इस बार हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड में कर लेते हैं. 6 का फैक्टर्स है 2 × 3, 13 का फैक्टर है 13 × 1 और 4 का फैक्टर है 2 × 2 × 1. सो इसमें एचसीएफ कॉमन एक ही है दैट इज 1. जब कुछ भी कॉमन नहीं जाता तो हम लोग एचसीएफ 1 ही लेना होगा. तो एचसीएफ आपका होगा 1. इसे हम लोग डिवीजन मेथड में भी करके देखते हैं.
सिक्स है, 39 एंड 4 है, 6 13 एंड 4। सो 6 से पहले हम लोग 13 को डिवाइड कर लेते हैं, 6 टू जा 12, माइनस करने से 1 आता है। नेक्स्ट नंबर हम लोग 4 है, 4 वन जा 4, कंप्लीट हो गए। लास्ट रिमाइंडर जो रिविजन कंप्लीट किया दैट इज 1, सो एचसीएफ विल बी 1। तो हमारा जो एलसीएम होगा फ्रैक्शन का वो होगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम बाई एचसीएफ, सो 40/1। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 40 है और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 1 है, तो 40/1 हम लोग 40 भी इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। नाउ वी विल सी हाउ टू डू एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, लेट्स डू इट। लाइकवाइज फ्रैक्शन का एचसीएफ करने के लिए आपको न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकालना होगा और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम का टाइम में था न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना होगा और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ। तो इससे हम लोग पता चलता है अगर आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा न्यूमरेटर का वही निकालना होगा। अगर एलसीएम पूछा जाए तो न्यूमरेटर एलसीएम न्यूमरेटर का कर लीजिए, और अगर एचसीएफ पूछा जाए तो न्यूमरेटर एचसीएफ का कर लीजिए, और जो नहीं पूछा जाएगा मीन्स एचसीएफ पूछा गया तो एलसीएम नीचे का करना है, और अगर एलसीएम पूछा गया तो नीचे जो डिनोमिनेटर्स रहेगा उसका एलसीएम करना है। सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल। फाइंड एचसीएफ ऑफ 7/10, 21/30 एंड 49/60। तो जैसे कि हम लोग पता है ऊपर का नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालना है और नीचे का नंबर का हमें डिनोमिनेटर एलसीएम निकालना है। तो पहले हम लोग एचसीएफ कर लेते हैं। एचसीएफ के लिए हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड यूज करते हैं। तो 7 का फैक्टर्स है, नंबर हमारे पास है 7, 21 एंड 49, इसका हम लोग एचसीएफ निकालना होगा, और नीचे का नंबर मीन्स डिनोमिनेटर है 10, 30 एंड 60, इसका हमारा एलसीएम निकालना होगा। तो इसे हम प्राइम फैक्टर मेथड में डायरेक्ट कर लेते हैं, या तो आप डिविजन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 7, 21, 7, 3 जो 21, क्योंकि ये डिवाइड जाता है तो इसी डिवाइजर से हम लोग नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट नंबर इज 49, 7, 49, 7, 7 जो 49, ये डिविजन कंप्लीट होता है, दोनों 7 से डिवाइड जाता है, दैट मीन्स 7 इज एचसीएफ। नेक्स्ट 10, 30 और 60 का एलसीएम करते हैं हम लोग, 10, 30 एंड 60, तीनों नंबर 2 से जाता है, 2, 5 जो 10, 2, 15 जो 30, 2, 30 जो 60, देन 5 से जाता है, 5, 1 जो 5, 5, 3 जो 15 एंड देन 5, 6 जो 30, देन 3 से जाता है, 3, 1 जो 3, 3, 1 जो 3, 3, 2 जो 6। चलिए अभी एलसीएम देख लेते हैं क्या होगा। एलसीएम विल बी 1 को हम लोग छोड़ देते हैं, 2 × 5 × 3 × 2, 2 × 5 × 3 × 2, सो 2, 5 जो 10, 10, 3 जो 30, 32 जो 60, तो एलसीएम होगा 60। तो एचसीएफ का फॉर्मूला है न्यूमरेटर का एचसीएफ और एलसीएम डिनोमिनेटर का। तो हमारा न्यूमरेटर है 7 एचसीएफ और इसका डिनोमिनेटर है 60, सो द आंसर विल बी एचसीएफ इज इक्वल टू 7/60। चलिए और एक नंबर और एक एग्जांपल के साथ इसे और समझ लेते हैं थोड़ा फ्रैक्शन का एचसीएफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF of 8/15, 20/21 and 28/24। सो जैसे कि हमको पता है एचसीएफ के लिए फ्रैक्शन का एचसीएफ के लिए ऊपर के न्यूमरेटर को हम लोग एचसीएफ करना होगा और डिनोमिनेटर्स को एलसीएम करना होगा। तो पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग कर लेते हैं। न्यूमरेटर आपका है 8, 20 और 28, जिसका हमें एचसीएफ निकालना होगा, और एलसीएम हमें निकालना होगा डिनोमिनेटर्स का 15, 21 और 24 डिनोमिनेटर्स का, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसका एक डिटेल वीडियो मैंने कल ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उसे भी रिफर कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट विथ प्राइम फैक्टर मेथड।
एट का प्राइम फैक्टर है, अगर एट को प्राइम फैक्टर निकालेंगे, टू इंटू टू इंटू टू, 20 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू टू इंटू फाइव, 28 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू टू इंटू सेवन। सो इसमें तीनों में कॉमन आपका 2 आता है, अगर कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा तो आपका ACF 1 आएगा। तो यहाँ पे कॉमन 2 आ गया है, नेक्स्ट कॉमन और एक है दैट इज 2, तो ACF आपका होगा 2 इंटू टू। देखिए 2 बाकी कॉमन नहीं है, 5 भी तीनों में कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, सो ACF विल बी 2 इंटू टू दैट इज 4। चलिए अभी LCM निकाल लेते हैं, इसी में निकाल लेते हैं, तीनों आपका 3 से जाता है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, और नहीं जा रहा है फिर भी हम लोग प्राइम नंबर लेके आ जाते हैं, 2 से जाता है 5 7 देन 4, 2 से फिर से ले लेते हैं 5 7 2। अगर आप प्राइम फैक्टर नहीं भी करते हैं, अगर आप यहाँ तक करते हैं दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट, बट अगर प्राइम फैक्टर के थ्रू से आपको प्रोसेस पूछा जाएगा फाइंड द एलसीएम थ्रू प्राइम फैक्टर मेथड, तो आपको सारा प्राइम नंबर ही निकालना होगा। सो एलसीएम विल बी 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 फाइव जा 60 एंड देन 7 टू जा 14, 60 इंटू 14, 14 6 जा 840। सो द फ्रैक्शन का ACF क्या होगा, आपका जो फ्रैक्शन दिया गया था क्वेश्चन में उसका ACF होगा 4 बाई 840, दोनों 2 से जाता है 2 4 2 0, फिर से 2 से जाता है 1 2 1 0, द आंसर विल बी 1 2 1 0। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ डूइंग द सॉल्यूशंस ऑफ LCM एंड ACF ऑफ फ्रैक्शन, and if you have any doubt you can comment in the comment box, and keep watching writing talks. Thank you.